वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मदर्स टीचर मिस मोना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पर मिलती रहे। तो आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंसेस। इन वर्ड और सेंटेंसेस का यूज हम किचन के अंदर करते हैं और लेडीज़ तो इन वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज डेली ही किचन में करती है। तो आओ जाने हम किचन में यूज होने वाले कुछ बेसिक इंग्लिश सेंटेंस जिनका हम डेली यूज करते हैं और हम इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें। फर्स्ट वर्ड है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है छानना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? छानना। सेंटेंस बनाते हैं इससे, मैं आटा छान रही हूँ। मैं आटा छान रही हूँ, क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश में सेंटेंस? आम शिफ्टिंग द फ्लोर, या फिर हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आम शिफ्टिंग द फ्लोर, आम शिफ्टिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है नीड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है गूथना, गूथना। सेंटेंस बनाते हैं इससे, मैं आटा गूथ रही हूँ। मैं आटा गूथ रही हूँ। इन वर्ड्स का डेली लेडीज किचन में यूज करती हैं, आटा तो डेली सभी गूंथते हैं। तो आओ सीखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आम नीडिंग द डो, आम नीडिंग द डो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेक द बोल, मेक द बोल। लोइया बनाना, आटा गूंदने के बाद हम क्या करते हैं? छोटी छोटी लोइया बनाते हैं। तो लोइया बनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक द बोल। मैं लोइया बना रही हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आम मेकिंग द बोल, आम मेकिंग द बोल, या फिर आई एम मेकिंग द बोल। नेक्स्ट सेंटेंस है रोल आउट। जब हम लोइया बना लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको बेलते हैं, बेलते हैं। आपको पता होगा चकला होता है उसको बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, और जो बेलन होता है उसको बोलेंगे हम रोलिंग पिन। तो हम रोटी बेलते हैं, चकले और बेलन की सहायता से हम क्या करते हैं? रोटी को बेलते हैं। तो सेंटेंस बना रही हूँ कि मैं रोटी बेल रही हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आम रोलिंग आउट द चपाती, आम रोलिंग आउट द चपाती, या फिर आई एम रोलिंग आउट द चपाती, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बेक। बेक का मतलब होता है सेकना। अब हम रोटी को जब बेल लेते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको तवे पे सेकते हैं। तो बेक, सेक का, सेकना का होता है वर्ड इंग्लिश में बेक। मैं रोटी सेक रही हूँ, मैं रोटी सेक रही हूँ। आम बेकिंग द चपाती, रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चपाती। आम बेकिंग द चपाती, आम बेकिंग द चपाती। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्लिप। जब हम रोटी सेक लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? हम पलटते हैं। तो फ्लिप का मतलब क्या होता है? पलटना। मैं रोटी पलट रही हूँ, आम फ्लिप द चपाती, आम फ्लिप द चपाती। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पफ अप, यानी फुलाना। जब हम रोटी को पलटते हैं उसके बाद हम गैस पे सेकते हैं, उसको फुलाते हैं, तो उसको फुलाते हैं तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि मैं रोटी फुला रही हूँ? तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आम पफिंग अप द चपाती, आम पफिंग अप द चपाती। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपके लिए एक सेंटेंस है, मैंने रोटी बना दी आप खा लो। आप इसको इंग्लिश में राइट कमेंट में राइट करेंगे कि मैंने रोटी बना दी आप खा लो। इसको कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आप कमेंट में इसको ज़रूर राइट करके बताना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।